सभी बंधुओं को बहनों को मैं इस व्यासपीठ से प्रणाम निवेदित कर रहा हूँ, उसे स्वीकार करिए और परिवार मंगलमय बने। जैसे यहाँ हो रहा है, पूरे देश में जहाँ जहाँ मैंने कथाएँ गाई हैं इसी प्रकार के आयोजन अब प्रारंभ होने जा रहे हैं। तो जहाँ जहाँ के सज्जन इस दृश्य को देख रहे होंगे वो अपनी मानसिक तैयारी कर लें कि जो नोएडा में हो रहा है अब वो हमारे नगर में भी होगा। भारतीय संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है। जन्म से लेकर मरण तक इस हिंदू समाज का कोई भी क्रिया कर्म बिना यज्ञ के पूर्ण होता नहीं है। जन्म के समय यज्ञ होता है, नामकरण के समय यज्ञ होता है, यज्ञोपवीत में यज्ञ होता है, कर्ण छेदन में यज्ञ होता है, विवाह संस्कार में यज्ञ होता है, अंतिम संस्कार जब हमारा होता है तब भी यज्ञ हुआ करता है। भारत की संस्कृति यज्ञ की संस्कृति है कि हमारा जीवन देवताओं के अधीन है। देव प्रसन्न रहेंगे तो हमारा जीवन आनंदित रहेगा और देवताओं को प्रसन्न करने का साधन ये हवन है, यज्ञ है। हवन से तन भी पवित्र होता है, हवन से मन भी पवित्र होता है और हवन से भवन भी पवित्र होता है। और आपको मैंने बार बार ये बात विषय बोला है, आज पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर से 4 इंच दूर इस वातावरण में शुभ और अशुभ आत्माएं आती हैं और जाती हैं। इनमें भूत प्रेत और पिशाचों की भी होती हैं, इनमें देवी देवताओं की और ऋषि मुनियों की भी होती है। ध्यान दीजिए, जिस घर में अशुभ आत्मा आ जाती है उस घर में शुभ कार्य नहीं होने देती, कोई न कोई अड़ंगा लगा देगी। और जिस घर में शुभ आत्माएं आ जाती हैं, लाख कोई दुश्मनी करे आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता, उस समय कोई न कोई देवी आत्मा किसी न किसी रूप में आपकी सहायता करने आएगी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरई कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इन अशुभ आत्माओं को भगाने के लिए और देवी आत्माओं को बुलाने का साधन है हवन। जैसे नीचे हेलीपैड से उठा हुआ धुआं देखकर पायलट हेलीकॉप्टर को नीचे उतार देता है, ऐसे ही जिन घरों से हवन का धुआं उठता हुआ दिखाई देता है, देवताओं के विमानों के पायलट देवताओं के विमानों को उसी आंगन में उतार दिया करते हैं। देवताओं को प्रसन्न करने का बुलाने का सबसे सरल साधन है हवन। कैसे करना है? एक तो ये रोज नहीं करना, केवल पूर्णमासी और अमावस्या को करना है। पूर्णमासी देवताओं की मानी गई है, अमावस्या पितरों की मानी गई है। देवताओं के आशीर्वाद से घर के संकट कटते हैं, घर मंगलमय और आनंदमय होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में संतान आती है और संपत्ति आती है। इसलिए केवल इन 2 तिथियों को करें। कई माताएं बहनें कहती हैं कि बच्चे नहीं बैठ सकते, उनको विद्यालय जाना पड़ता है। सामान्यतः आधी से अधिक अमावस्या और पूर्णमासी किसी न किसी छुट्टी के दिन आती है। होली है, दिवाली है, शरद पूर्णिमा है, कार्तिक पूर्णिमा है, पित्रा अमावस्या है और जो शेष बस्ती है उनमें भी इतवार आदि कई बार आ जाता है। 2-4 ऐसी होंगी जिनमें थोड़ी कठिनाई आएगी, लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया तो वो फिर छुट्टी ना होने के बाद भी वो हो सकता है। तो ये छोटा सा हवन जरूर करें। आज हमने ये कराया है 24 गायत्री मंत्र, जिसमें 6 आहुति पहले घी से डाल दें ताकि अग्नि प्रकट हो जाए, 18 सामग्री के साथ 3 चौपाइयाँ, जय विद नाथ हो हित मोरा, करहुँ सुबेग दास में तोरा स्वाहा, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर बिहारी स्वाहा, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी स्वाहा। और 16 महामंत्र, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे स्वाहा। महामृत्युंजय के ओम त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। और बाद में प्रसाद चढ़ा दीजिए, ओम अग्नय स्वाहा और श्री रामचंद्र कृपाल भज, ये पूरी स्तुति गाइए। हे ईश सब सुखी हों, ये स्तुति गाइए। 15 मिनट के इस हवन के कार्य से आपके घर में दैवीय सुगंध का वास हो जाएगा। आपको कुछ दिनों में लगने लगेगा कि मेरे परिवार में देवताओं का वास हो गया, परिवार का वातावरण में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। ये बात बोलूँगा
यज्ञ ये देवताओं का भोजन है, देवता यज्ञों के माध्यम से भोजन स्वीकार करते हैं और मनुष्य का जीवन देवताओं के अधीन है। देवताओं की प्रबल शक्ति के सामने दशरथ जैसे महापुरुष का भी राज तिलक का यज्ञ पूरा नहीं हो पाया था। भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। अगर देव विपरीत हैं तो मनुष्य की कोई क्षमता नहीं है कि वो अपने अनुकूल परिस्थिति बना ले। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करना और उसका साधन है हवन। जिसको आप भोजन कराते हैं वो आपको आशीर्वाद देगा। आज बहुत प्रकार की जो अशांतियाँ हैं इसका सबसे बड़ा कारण है कि दैवी आशीर्वाद हमको नहीं मिल पा रहा, क्योंकि हम देवताओं को भोजन नहीं करा पा रहे। तो आज यहाँ से इसका शुभारंभ करते हैं। जैसे घर में भोजन बनता है, तैयार हो गया तो माँ कहती है खाना लग गया आओ, जैसे माँ पुकारती है ऐसे ही हमारे शरीर के प्रत्येक इंद्रिय में कोई न कोई देवता का वास है। तो उन देवताओं को अब जगाना पड़ता है। तो बाएं हाथ में जल ले लीजिए, आपके पास जल है, बाएं हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ में, लेफ्ट में। अब मैं बोलता जाऊंगा मंत्र सहित। आपको अगर मंत्र याद नहीं होते तो घर में बिना मंत्र के भी ये क्रिया करिए, लेकिन यहां मैं मंत्र बोलकर आपको संकेत करता जाऊंगा। ओम वांग्मय आसे अस्तु, जल लीजिए, होठों को लगाइए। ओम नसोर्मय प्राण अस्तु, दोनों नाकों को लगाइए। ओम अक्षोर्मय चक्षु अस्तु, दोनों आंखों को लगाइए। ओम कर्णोर्मय श्रोतमस्तु, दोनों कानों को लगाइए। ओम बाहुर्मय बलमस्तु, दोनों भुजाओं को लगाइए। ओम उर्वोमय ओजो वस्तु, दोनों जंघाओं को लगाइए। अब पूरे शरीर पर छिड़क लीजिए। ओम अरिष्टान मे अंगान तनस्तनवा मे सह संतु। घर पर जब ये क्रिया करें, आवश्यक नहीं है कि आप मंत्र बोलें, वैसे भी प्रत्येक अंग को स्पर्श करेंगे, सारे शरीर के जितने सोए देवता हैं ये सब जागृत हो गए। अब ओम भूर भुव स्वः केवल इतना बोलेंगे और अपने दीपक को जला लीजिए। ओम भूर भुव स्वः, दीपक जलाइए। अब कपूर को दीपक से स्पर्श करा के कपूर से अपनी यज्ञ वेदिका में अग्नि प्रकट कर लीजिए। 24 गायत्री मंत्र, इसमें 6 मंत्र हम घी के साथ बोलेंगे ताकि अग्नि ठीक से प्रकट हो जाए, 18 फिर सामग्री के साथ प्रारंभ। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात् स्वाहा।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो सामग्री का उपयोग करेंगे। और बड़ी प्रसन्नता है आपके इस दृश्य का दर्शन करने। देवता आकाश में इस समय आ चुके हैं, बादल इस समय आपके ऊपर है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो का भी ध्यान रखते जाएंगे। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं प्रचोदयात् स्वाहा।
यत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो चौपाइया। विधिनाथ हो यही तमोरा करहु सुबेगी दास में तोरा स्वाहा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर महामंत्र किया होते। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे स्वाहा। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे
पत्रक में हमने दो महामृत्युंजय की सूचना दी है, लेकिन अब पांच आहुति देंगे, क्योंकि शंकर जी के पांच मुख हैं। मान लीजिए किसी की एक दो टेलीफोन लाइन है तो कई बार व्यस्त रहती है, लेकिन जिसकी पांच टेलीफोन लाइन है तो कोई न कोई खाली मिलेगी, बात हो जाएगी। तो शंकर जी के पांच मुख हैं, कोई न कोई मुख जरूर खाली मिलेगा जिसमें आहुति चली जाएगी। पांच आहुति, अग्नि तेज हो तो उसे कम कर सकते हैं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनां मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। एक मंत्र हम सबकी ओर से प्रतिदिन राष्ट्र के कल्याण के लिए बोला करते हैं, उसको हम बोलते हैं, बाद में आप आहुति डाल दीजिए। ओम आ ब्रह्मण ब्राह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायता आ राष्ट्रे राजन्यः सूर इषभ्योति व्याधि महारथो जायता दोग्धीर्धेनुर्वोढा निर्वाणासो सप्तः पुरन्द्रयोसा जिष्णोरथेष्ठा सभेयो युवाश्च यजमानश्च वीरो जायताम् निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवद्यो न औषधयः पञ्चन्तयाम योगक्षेमो नः कल्पन्तां स्वाहा। जो आपके पास प्रसाद है उसे खोलिए और तीन आहुति मेरे मंत्र के साथ दे दीजिए। ओम अग्ने स्वाहा।
ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा। अब शेष सारी सामग्री घी सब तीन बार में अर्पित कर दीजिए। ओम सर्ववै पूर्णद्वं स्वाहा, ओम सर्ववै पूर्णद्वं स्वाहा, ओम सर्ववै पूर्णद्वं स्वाहा। इतना सुंदर दृश्य है, आपको तो नहीं दिखाई देगा, नीचे से मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत आनंद का दृश्य है। अब ये देवताओं का भोजन हो गया, अब हमको प्रसाद पाना है, तो जो घी की कटोरी है उसमें दो तीन चम्मच जल डालिए। और थोड़ा सा उसको चम्मच से रगड़िए। अब उस जल को हाथ में क्रीम की तरह मल लीजिए सब लोग। और चार पांच बार अग्नि की लौ को पकड़ेंगे और उसको सूंघेंगे। अब ये हमको प्रसाद लेना है, देवताओं ने भी नाक के द्वारा भोजन लिया है, हमको भी नाक से प्रसाद लेना है। मैं मंत्र बोलता जाऊंगा, आप सूंघते जाइए। ओम तेजो असी तेजो मई दे, ओम बलम असी बलम मई दे। लौ पकड़िए और सूंघिए। ओम वीर्यम असी वीर्यम मई दे। अगर सामग्री की खुशबू हाथ से नाक में आई है तो समझिए ठीक से आपने पकड़ा है, नहीं तो ठीक से पकड़िए। ओम वीर्यम असी वीर्यम मई दे। ओम ओजो असी ओजो मई दे। ओम मन्योर असी मन्योर मई दे। ओम सहो असी सहो मई दे। अब कुंड से थोड़े थोड़े दूर हो जाइए, पत्रक निकालिए और संगीत के साथ बहुत प्रेम से स्तुति गाइए। राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय तारण। बैठ कर जय लो तरी
जाए कहीं मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन रहे सियावर रामचंद्र जी की जय हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सब हो निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी सुखी बसे संसार सब दुखिया शांति रापा शांति
ततयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठिए, तीन बार श्वास भरेंगे और ओंकार ध्वनि करेंगे। तरीका समझिए, पहले सांस खाली करेंगे, फिर भरेंगे, तब करेंगे। पहली बार में तीन चौथाई तक ओ, एक चौथाई से म। दूसरी बार में आधे तक ओ, आधे से म। और तीसरी बार में एक चौथाई ओ और तीन चौथाई म। पहले पेट की सारी सांस बाहर निकालिए, फिर भरिए और फिर करिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी शुरू। हाथ आकाश की ओर उठाइए, आंखें बंद करिए, बंद आंखों से अंतरिक्ष में भगवान की मुस्कराती छवि का दर्शन करिए। ऐसा अनुभव करिए भगवान हमको देख रहे हैं, मंद मंद मुस्करा रहे हैं। मैं बोलूँगा उसे बहुत प्यार से दोहरा दीजिए। हे प्रभो, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। हे प्रभो, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेक दीजिए, प्रणाम कर दीजिए। फिर दूसरी बार हाथ आकाश की ओर उठाइए, आंखें बंद करिए, वही दर्शन करिए। अब सब लोग मेरे साथ साथ बोलिए, हे प्रभो, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। फिर माथा टेकिए, प्रणाम कर दीजिए। फिर तीसरी बार हाथ उठाइए, वही दर्शन करिए, फिर बोलिए, हे प्रभो, आपकी अपार कृपा मेरे ऊपर बरस रही है, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। माथा टेकिए, प्रणाम करता हूँ।